मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मिच यूट्यूब फैमिली में जितने लोग मिले हुए हैं, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि प्रभु में आप भले चंगे हैं। फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करता हूं। आपकी प्रार्थनाएं और सेवकाई के ऊपर जो आपने प्रेम रखा है, उसे परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक उसी तरह इस भूमि में विभिन्न जगहों में हम जन्मे, फिर भी हम एक ही परिवार के रूप में परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन मालूम है क्या? प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री में पहले अध्याय के 11वें वचन में बताया गया है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं कि जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर में स्थिर हो, सामर्थ पाए, तो हमारे अंदर कुछ आत्मिक वरदान चाहिए। उदाहरण के रूप में, आपके अंदर अगर चंगाई का वरदान हो, तो जब आप बीमारों को प्रार्थना करें तो वे चंगे होंगे और इससे आपका विश्वास स्थिर होगा। अगर आपके अंदर भविष्यवाणी का वर काम करता है, तो आप अपने खुद के और दूसरों के जीवन के बारे में जो प्रकटन पाकर भविष्यवाणी बोलो, तो वे विश्वास में आएंगे और आपका सेवकाई स्थिर होगा। ऐसी बहुत सारी बातें कह सकते हैं। आपके पारिवारिक जिंदगी स्थिर होगी, आत्मिक जिंदगी स्थिर होगी, आपका अभिषेक बढ़ता रहेगा। तो ये आत्मिक वरदान मालूम है कितना मुख्य है? वचन बिल्कुल सुंदर सा बताता है कि तुम नित्य उसमें स्थिर बने रहो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऊपरी तौर से विश्वासी के रूप में जीते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन आपको परमेश्वर को देखकर कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, मुझे आत्मिक वरदानों को दो ताकि मैं अपने आत्मिक जिंदगी में स्थिर रहूं। मुझे भविष्यवाणी का वरदान दो, बीमारों को चंगा करने का एक वरदान मुझे दो। हे प्रभु, बाइबल के बताए गए वचनों को जो है व्याख्या करने का वरदान दो। ऐसे प्रार्थना जब करते करते रहोगे तो ये वरदान आपकी ओर आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को मसीह की ओर ले आओगे और आप भी स्थिर हो जाओगे, परमेश्वर में सामर्थी बनोगे, आपकी जिंदगी में किसी तरह की गिरावट नहीं होगी। शायद अप्स एंड डाउन कभी ना कभी आ सकते हैं, पर कभी पीछे नहीं हटोगे, हारोगे नहीं। परमेश्वर आज आपको ऐसा एक जीवन देना चाहता है। क्या आप ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करोगे? परमेश्वर आपकी मांगों को पूरा कर आपको आनंद से भरपूर करेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आज के दिन आपके साथ चलना चाहते हैं। पिता, हर दिन आपके साथ चलने के लिए जो आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, स्थिर होने के लिए, हे परमेश्वर तूने सिखा, उसके द्वारा तेरे बच्चे तेरे वचन के अनुसार मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ मिलकर बहन प्रार्थना कर रहे हैं, भाई प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवारों को स्थिर करके आत्मिक अनुग्रह के द्वारा भर जाएं और अनुग्रह के पात्र बनकर रहें। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, आशीष देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। शत्रु की क्रियाएं तेरे बच्चों के प्रार्थना के द्वारा शैतान के सभी बंधनों को तोड़ डालें। आज पूरा दिन जो है उनके कानों में जो लगातार तेरी आवाज सुनते रहे, बहुत सारे लोगों को आलोचना देने लाने एक अनुग्रह से भरपूर कर, परमेश्वर के सामर्थ से भरपूर कर। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर भला है। आज परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी योजना रखी है। ठीक उसी तरह आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। इस संदेश को अगर आप शेयर करें तो वे भी विश्वास में भरेंगे। ठीक है, आप शेयर कीजिए। परमेश्वर की इच्छा है तो महिमाजनक काम परमेश्वर करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com।
परमेश्वर आपको आशीष दे।